हे गाइस, कैसे हैं आप। मैं नेहा द मायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको वैद्यनाथ ब्रांड के बिल्वा तेल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये तेल आपके कानों को किस तरीके से फायदा देगा। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप अपने कानों में दर्द या निरंतर बजना, कान में सीटी बजना, सुनने की कमी जैसी कान की जितनी भी समस्याओं से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपन बात कर लेते हैं वैद्यनाथ ब्रांड के बिल्वा तेल के बारे में, जो कि मार्केट में आपको तेल फॉर्म में मिलता है, जिसका उपयोग आपके कान में दर्द या फिर सुनने की कमी को जैसी समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके कानों में कोई नुकसान करे, बल्कि आपके कानों में दर्द होना, कान में साए साए शब्द का बजना या बहरापन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। डोज के किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, तो 2 से 3 बूंद गैस आप कान में सुबह और शाम डालें, या फिर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेज इस्तेमाल में लें। गाइस यदि आप पहले से अन्य प्रकार के दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं कानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो इसे इस्तेमाल में लेने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही आप इसे ओवर डोजेज ले सकते हैं। और गाइस प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। वेजिटेरियन प्रोडक्ट है गाइस, काफी बेस्ट है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कि कानों में दर्द से राहत देने में मदद करते हैं। प्राइस काफी अफोर्डेबल है, आप इजिली तरीके से अफोर्ड कर लेंगे, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी गाइस आपको सही लगे आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल लगे आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस इसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। काफी बेस्ट है ये तेल गाइस, जो आपके कानों की जो भी समस्याएं उन सबसे राहत देने में मदद करता है, सनसनाहट जैसी आवाज को दूर करने में मदद करेगा और आपके कानों को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।